गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक ऐसा इंटरव्यू दिया जिसे देखकर जिसे सुनने के बाद पूरा देश ये कह रहा है कि गृह मंत्री का इससे धमाकेदार इससे ज्यादा विस्फोटक इंटरव्यू और कोई हो नहीं सकता। नमस्ते, मैं राशिद। गृह मंत्री अमित शाह ने हिंडनबर्ग, गौतम अडानी, PFI पर बैन लगाना, 2024 की तैयारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, इन सभी को लेकर के एक ऐसा इंटरव्यू दिया है जिसमें विपक्ष शाहरुख खान चित है। एक एक करके आप समझें, जब गृहमंत्री अमित शाह से ये पूछा गया कि कांग्रेस ने मित्रता को BJP पर सवाल खड़े किए हैं, अडानी से मित्रता पर, आपकी सरकार पर अडानी की मदद करने का आरोप लगा, इस पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, सांसद होने के नाते ऐसा मेरा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन BJP के पास कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं है और कुछ छिपाने के लिए है भी नहीं। इसके अलावा त्रिपुरा में BJP की प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनेगी, दोपहर 12 बजे तक रिजल्ट आ जाएंगे, आप ये देख लीजिएगा, ये गृहमंत्री ने कहा। पिछली बार से ज़्यादा हम सीटें जीतेंगे। इसके अलावा दावा यह किया गया है गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में BJP की सरकार बनने जा रही है, PFI बैन, BJP में परिवारवाद, राहुल गांधी की छवि, खालिस्तान, हिंडनबर्ग, अडानी विवाद, BBC डॉक्यूमेंट्री पर बैन, G20 समिट की अध्यक्षता। G20 समिट के लिए उनका यह कहना था, अगर हमारे पास वाकई में कुछ दिखाने के लिए है तो गाजे बाजे के साथ आखिरकार क्यों ना इतना दिखाया जाए। हाँ, साथ ही नाम बदलने पर, जो अलग अलग स्मारकों के नाम बदलना है, रोड के नाम बदलना है, इस पर गृहमंत्री ने कहा कि हम मुगलों के योगदान को हटाना नहीं चाहते, लेकिन शहरों के जब नाम बदलने की बात आती है ना, अगर कोई परंपरा को स्थापित करना चाहता है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी तारीफ होनी चाहिए और इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने एक भी ऐसा शहर नहीं है जिसका पुराना नाम हो और हमने नाम बदला हो, हमने बहुत सोच समझ कर हमारी सरकारों ने फैसला किया है, राज्यों के पास में इसका एक लीगल राइट है, एक वैधानिक अधिकार है, और साथ ही हमने त्रिपुरा में हिंसा खत्म की है। PFI बैन को लेकर के जब पूछा गया तो गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था, इसीलिए बैन करना बहुत ज़रूरी है। इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के भी गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, इंटरनल सिक्योरिटी पर खतरा। और हाँ, जब BJP में परिवारवाद यानी नेपोटिज्म को लेकर के सवाल किया गया तो गृहमंत्री अमित शाह ने यह कहा कि हमारी पार्टी में कई दूसरी पीढ़ी के नेता हैं और इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बनेगा या पूरा परिवार सांसद ही बनेगा या पूरा परिवार मंत्री ही बनेगा या पूरा परिवार विधायक ही बनेगा, लेकिन अगर कोई लायक है तो फिर इसमें परिवारवाद कहां से आ गया, यह बहुत बड़ा सवाल है। अडानी विवाद पर भी गृहमंत्री अमित शाह ने यह कहा कि कुछ भी छिपाने के लिए है नहीं, इसका मतलब यह है कि नॉर्थ ईस्ट के इलेक्शन से पहले और इसके अलावा चूंकि 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने इसी साल, उससे पहले 2024 के एजेंडा को लेकर के ये गृहमंत्री अमित शाह ने अपने प्लान, अपनी रणनीति और अपने चाणक्य नीति को लेकर इस इंटरव्यू में सब कुछ बताया है। नमस्ते।